नमस्ते दोस्तों, तशरीफ ले, राम राम सभी को। सो आज हमारी टीम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अन्नदान करते हैं ज़रूरतमंद लोगों को, स्लम, झुग्गी झोपड़ी, गरीब, दिहाड़ी मजदूरी करते जो लोग हैं उनको राशन पानी देते हैं, जिसकी वजह से उनका यू नो महीना कट जाता है और बहुत राहत मिलती है। अन्नदान तो बहुत बड़ी मदद होती है वैसे भी। सो आज ये जो 50 राशन हम लोग बांटने जा रहे हैं, वो थिनले जी, जिनकी ये तस्वीर है, उनका देहांत हो चुका है, उनकी याद में उनकी फैमिली डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है उनके अच्छे पुनर्जन्म के लिए और उनके पूरे परिवार की अच्छी सेहत और अच्छी खुशियां रहे, ताकि उनकी फैमिली में और इनकी आत्मा को शांति मिले। तो इस वजह से आज 50 राशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं थिनले जी की याद में, कि आत्मा को शांति मिले और ऐसे ही आपका परिवार हमेशा सेवा में आगे रहे। तो चलिए, तैयारियां हो चुकी हैं, चलते हैं लोकेशन पे, आज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं स्लम में। इस तरह देखो रहते हैं, काफी परेशान सिचुएशन में, ऐसे में गुजारा होता है, बच्चे रहते हैं, नहाने धोने बाथरूम का है, ठीक है, यहीं पे खुले में वॉशरूम में जाते हैं, ये वॉशरूम है देखो, खुले में ही खुले में नहाना धोना होता है। चलिए यहाँ पर बांटेंगे आज हम राशन। सो आ गए, फैमिलीज भी आ रही हैं। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राशन पानी। हाथ वाला रिक्शा चलाते हो आप लोग? हाथ वाला रिक्शा चलाते हो? पैडल रिक्शा चलाते हैं, पैडल रिक्शा चलाते हैं, उसमें समस्या आ रही है। चलिए ठीक है, 50 लोगों को राशन बांटते हैं, ठीक है, आप लोग बैठिए, आइए बैठ जाओ लाइन में बैठ जाओ। सो यहाँ पे लाइन से बैठने में गिनती लगा, 50 परिवार हैं जो आ चुके हैं यहाँ पे। सो यहाँ से देखोगे अगर आप, 50 परिवार आ चुके हैं, अंदर तक बैठे हुए हैं, जो कि वो अंदर तक सारे बैठे हुए हैं, लगे नेताजी काम पे। चलिए राशन भी आ गया, चलिए जी, हमने पर्ची डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, राशन देते रहो, पर्ची लेते रहो। इसी के साथ सभी 50 लोगों को राशन मिल गया, 50 राशन डन। सो ये भैया हैं, ठीक है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, इनका नाम था थिनले तिब्बतन है, वो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, तो उनका परिवार उनकी याद में 50 परिवारों को राशन दे रहा है। तो थिनले जी की आत्मा को शांति मिले, 50 परिवार को आपको राशन मिल रहा है, इसलिए थोड़ा आप उनकी प्रार्थना करना, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना कि वो खुश रहें। सो मसाले, दाल, चीनी, तेल, नीचे आटा, चावल, नमक और जो एक सारी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब इसमें, आप छोटू इधर आओ पीछे, जो घर की ज़रूरत होती है बेसिक, आटा, चावल, तेल, दाल, नमक, चीनी, चाय, मसाले वो सब चीज़ें इसमें हैं। तो आप 50 लोग थिनले जी की याद में है, ठीक है, मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले, वो कह रहे हैं, सब प्रे कर रहे हैं, शांति मिले, उनके परिवार खुश रहे। चलिए, हमने प्रार्थना की है, इसी के साथ 50 राशन डिस्ट्रीब्यूशन डन। चलिए ले जाओ आप लोग राशन, काफी खुश हैं, आराम से सब खाना खा सकते हैं और सबने प्रार्थना की है, सब जरूरतमंद हैं, इसी स्लम में रहते हैं, जाएंगे आराम से खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए, यहीं पर रहते हैं सब।
इसी के साथ सभी लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन डन। सो इसी के साथ उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारी तरफ से भी यही प्रार्थना है, उनका परिवार खुश रहे और इसी तरीके से हमेशा सेवा में आगे रहे। बिकॉज एक जीवन मिला है, हमको भी नहीं पता कि यू नो कब तक जीवित हैं, तो करते रहना चाहिए अच्छे पुण्य काम, ऐसे दान धर्म करना चाहिए। खूब खुशी मिले उनके परिवार को, आत्मा दुआ दे रही हूं मैं, आत्मा बनी रहे। जी जी, काफ़ी खुश हैं और काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सब लोग। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें जीवन में, ऐसी सेवा और दान पुण्य करते रहें, यही हमारी भी प्रार्थना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।